हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और नवरात्रियां जो है बहुत अच्छे से सब लोगों की सब कंप्लीट हो गई होंगी। तो आज किस तरह से आप लोगों ने अपनी नवरात्रि सेलिब्रेट करी, माता को याद किया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो है आज का दिन कैसे स्पेंड किया, अष्टमी और नवमी का। तो आप लोगों ने, मैंने अपने सोसाइटी की एक छोटी सी ग्लिम्स आप लोगों के संग शेयर की है, अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखिएगा और उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और एक बारी माता रानी का जयकारा लगा लेते हैं, माता शेरावाली की जय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि तो देखिए हमारा मैं तो यहाँ दुबई में रहती हूँ, तो यहाँ पे हमने कंचे के तो नहीं बिठाए, क्योंकि कंचे के बिठाने के लिए यहाँ पे सुबह सुबह गर्ल्स मिल पाना बहुत आसान नहीं था और मैं यहाँ पर बहुत लोगों को जानती भी नहीं हूँ। तो हमने माता रानी को भोग लगाया और अपनी बेटी को ही का ही पूजन करके उसको स्कूल को भेज दिया था। तो बहुत छोटी जल्दी जल्दी में ये सब चीज़ें हुई, तो बहुत ज़्यादा उसकी पिक्स नहीं ले पाई मैं। टिट्स एंड बिट्स में थोड़ा बहुत लिया है, वो मैं आप लोगों के संग शेयर कर दूँगी। लेकिन इस व्लॉग में आपके संग मैं शेयर करने वाली हूँ रेसिपी, जो कि है व्रत की थाली। तो बहुत ही सिंपल सी थाली है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। तो वो थाली आप देखिएगा आपको कैसी लगी, और अगर रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको कैसा लगा। तो मैं वो आप लोगों के साथ इस मेरी इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं आप लोगों के संग शेयर कर दूँगी। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि मैंने जो व्लॉग वन डाला अपना, डे वन ऑफ नवरात्रा, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों के संग कलर शेयर किए कि कौन कौन से कलर्स जो है वो पहनने चाहिए ड्यूरिंग नवरात्रा डेज, अगर आपके पास इफ़ पॉसिबल। जो जैसे कि आज लास्ट डे है और डे आज का था पर्पल, तो मैंने भी पर्पल वेयर किया है, थोड़ा वाइन शेड है, थोड़ा पर्पलिश शेड है, तो मिक्स में आ जाता है। एग्जैक्टली शेड मिलना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो अवेलेबल था इजी टू वेयर में, मैंने वो वेयर कर लिया। तो अब मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो माता के नौ रूप है ना, वो नौ रूप सिग्निफाई करते हैं एक विमेन के फ्रॉम बर्थ टू हर एंड ऑफ लाइफ तक। तो पहले मैंने इस नज़रिए से कभी भी माता के रूपों को नहीं देखा था, इस बार ही मैंने ये चीज़ें एनकाउंटर करी, क्योंकि इस बार मेरे पास एक वीडियो आया, उस वीडियो के थ्रू मुझे इस जानकारी मिली। तो मैंने सोचा मुझे अपनी यूट्यूब की फैमिली के संग भी ये जानकारी शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता हो, और हो सकता है कुछ मेरे जैसे हों जिनको आज से पहले ये बात नहीं पता शायद, लेकिन आज पता चल जाए। तो फिर हम शुरू करते हैं इस बात को। तो माता का पहला रूप होता है शैलपुत्री का। शैलपुत्री यानी कि पर्वत की पुत्री, यानी कि एक पुत्री का जब जन्म हुआ, यानी कि जन्म से वो रिलेट करता है, ठीक है। एक लड़की के जन्म को शैलपुत्री आप मान सकते हैं, तब वो शैलपुत्री के रूप में होती हैं। उसके बाद वो एंटर करती हैं अपने ब्रह्मचारिणी स्टेप में, यानी कि जहाँ पर वो पढ़ाई के लिए अपना पढ़ाई के लिए रेडी होती हैं, अपना कौशल सीखती हैं, जो भी चीज़ें वो सीखती है, तो वो आपका ब्रह्मचारिणी में आता है। देन आता है तीसरा रूप चंद्रघंटा, यानी कि अब वो जवान हो चुकी हैं और वो अपने अगले दायित्व की ओर बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी हैं, जो कि है शादी। तो जो तीसरा रूप आता है वो है चंद्रघंटा का, तो यानी कि वो शादी उनकी अब हो गई है। फोर्थ रूप में आता है माता कुष्मांडा का, यानी कुष्मांडा यानी कि उनके, आपने देखा होगा ना, आप देखेंगे मैं यहाँ पर पिक्स अटैच कर दूंगी, तो वहाँ पे उनके गर्भ के पास में एक घड़ा रखा हुआ है, तो वो घड़ा जो है वो बच्चे यानी कि नए जन्म को दिखाता है, तो उसको इसलिए उनको कहते हैं माता कुष्मांडा। और उसके बाद नंबर आता है स्कंद माता का। तो अब स्कंद माता जो हैं वो हमारी फिफ्थ नंबर की माता रानी हैं, और वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चे को नरिशमेंट देती हैं, अपने बच्चे को ज्ञान देती हैं, उसको चीज़ें सिखाती हैं। तो वो एक माता का स्वरूप है जो कि ज्ञानदायिनी होती है, तो दैट इज़ स्कंद माता। स्कंद माता के बाद जो छठा रूप आता है वो है देवी कात्यायनी का। तो कात्यायनी अब माता वो हैं जो कि अपने बच्चे को उन्होंने ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया ना, अब उनके लिए अगर उनके पर कोई भी परेशानी आई तो उसके लिए वो डटकर खड़ी हैं, और अगर सामने से उनको अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करना है, ये माता रानी का ये रूप जो है वो एक औरत के उस चीज़ को दर्शाता है। फिर आता है माता कालरात्रि।
तो माता कालरात्रि क्या है? माता कालरात्रि वो है कि अगर उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी तो वो डटकर उसका मुकाबला करेंगी, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब उनके अंदर वो एक सबल नारी हैं, उनके अंदर वो सारे गुण हैं जो कि एक शायद किसी एक पुरुष के अंदर हो सकते हैं, यानी कि सम्मिलित हैं उनके, वो अपने में ही एक पूरी पूरी सारभूता हैं। उसके बाद नंबर आता है महागौरी का, यानी कि जो कि आपके घर की संपन्नता देती है, आपको घर में सब कुछ, आपके कहते हैं ना घर में आपके सब कुछ आता है, धन धान्य होता है, सब कुछ एक हर चीज़ में परिपूर्ण हो गई। देन लास्ट नंबर पे नंबर आता है नंबर 9, दैट इज सिद्धिदात्री, यानी कि सिद्धिदात्री यानी कि अब वो ज्ञान देती हैं। जब आपने देखा ना आपके घर में एक लेडी होती है जो कि ट्रांजिशन होके फ्रॉम फीमेल, बॉर्न फीमेल, एक छोटी सी बच्ची से बड़े होके एक दादी का स्वरूप ले लेती है, जब वो दादी का स्वरूप ले लेती है तो वो बहुत अनुभवी हो जाती है, वो बहुत ज्ञान स्वरूपा हो जाती है, तो वो अपने ज्ञान देती है, अपने तजुर्बे जो है अपने बच्चों के संग शेयर करती है, तो वो रूप जो है माता का सिद्धिदात्री का है। तो इस तरह से ही माता के ट्रांजिशन के ये 9 रूप हैं, 9 रूप हैं जो कि एक औरत के ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाते हैं बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के साथ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने चाहा कि मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ ये ज़रूर शेयर करूं। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब प्लीज़ गाइज ये रेसिपी देख के जाइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगी अगले ब्लॉग में, मे बी वो दशहरा का ब्लॉग होगा, छोटा सा ब्लॉग हो चाहे बड़ा सा ब्लॉग हो, जैसा भी हो प्लीज़ उसको प्यार दीजिएगा। तो मैं इसी नोट पे आप लोगों से विदा लेती हूँ, अब एंड में मेरी रेसिपी चलेगी और उसके बाद जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो ये अष्टमी की इवनिंग का है जब हम लोगों ने पूजा कर ली थी, मैंने और मेरी बेटी ने आरती करी और उसके बाद की थी मैंने डिनर की प्रिपरेशन। तो देखते हैं, आइए देखिए मेरे साथ कि डिनर में क्या बना है और आज मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइज़ मैं पहुँच गई थी किचन में और मैंने मूंगफली रख दी थी ड्राई रोस्ट करने के लिए और उसके साथ साथ टमाटो चॉप कर लेते हैं। और टमाटो को ना मैं ग्राइंड करूँगी, लेकिन मेरा क्योंकि ग्राइंडर छोटा है इसलिए मुझे उसको थोड़ा थोड़ा चॉप अच्छे से, मतलब छोटा छोटा चॉप करना पड़ता है सो दैट वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, वरना फंसता है कभी कभी। इसमें हम ऐड कर लेंगे 8-10 मैंने जो काजू हैं उनको भिगो के रखा था पानी में, उनको ऐड कर लेंगे। प्लस ऐड कर लेंगे हरी मिर्च, तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मेरी बेटी क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मिर्चा नहीं खाती है इसलिए मैंने एक ही हरी मिर्च ऐड करी है। प्लस ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि जब बिना अनियन गार्लिक का बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा उसमें और चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं टू गिव इट अ फ्लेवर। तो मैं दो बार में इसको प्यूरी करूँगी क्योंकि एक बार में मेरा जो ग्राइंडर है वो नहीं कर पाता है, छोटा है, तो कभी कभी ना देखिए यहाँ पे फंस गया था तो मुझे थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ा और अब मेरे ग्राइंडर ने ग्राइंड कर दिया है। आवाज़ बहुत करता है ये, आप लोग बताइए कैसे आप लोग के यहाँ पर ग्राइंडर इतना आवाज़ करता है क्या। तो उसके बाद मैंने उसको प्यूरी को एक ट्रांसफ़र कर लिया था एक बोल में और फिर उसके बाद बाकी बची हुई टमाटर को भी प्यूरी कर लिया। तब तक मेरे जो मूंगफली है वो भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई थी, तो इसको मैंने एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसके छिलके उतार लेंगे, वरना गरम गरम से हाथ जल जाता। उसके बाद हम लेंगे एक बड़ा चम्मच घी का जिसमें हम फ्राई कर लेंगे अपने पनीर को, क्योंकि पनीर में यहाँ बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होता है तो मैंने सोचा थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ तो उससे शायद थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाए उसका। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे।
साथ के साथ मैंने आलू रखे थे बॉईल करके, तो उसको मैं पील ऑफ कर देती हूँ। और जो मैं व्रत का आटा लगाऊंगी ना, उसमें मैं थोड़ा सा ग्रेट करके पोटैटो मिक्स करूंगी। इस करके मैंने जो पोटैटो है उसको बॉईल किया हुआ है, तो साथ साथ इसको चलाते रहते हैं और अपने आलू को पील ऑफ कर लेते हैं। यहाँ के आलू भी ना बहुत अजीब से होते हैं, बहुत अच्छे से बहुत ईजीली पील ऑफ नहीं होते, थोड़े चिपकते हैं, लेकिन खैर मैंने पील ऑफ कर लिए थे। अब सारे आलू कर लिए हैं मैंने पील ऑफ, और ये है मेरा टोमेटो प्यूरी। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि पनीर का भी एक अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, तो पनीर को हम निकाल लेंगे। और थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा पानी था तो मैंने उसको हटा दिया, और प्लस उसको टिश्यू से वाइप ऑफ कर लिया था। उसके बाद जो है इसमें हम सारा इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, और फिर हमने फिर से डाला थोड़ा सा घी और इसमें ऐड किए हमने, मैंने ऐड किया तेज़पत्ता, प्लस ऐड किया जीरा, प्लस ऐड किया है थोड़ी सी मिर्च, और उसके बाद ये देखिए तेज़पत्ता डाल रही हूँ मैं। और सारे ना मैंने मसाले बाहर ही निकाले थे, क्योंकि इस वक्त जब व्रत होता है ना उस टाइम पे मैं मसालदानी से मसाले नहीं लेती, जो मेरे कंटेनर्स में मसाले रखे होते हैं वही ले लेती हूँ। लौंग डाल दिया, ये इलायची डाल दी है, और अब हम इस प्यूरी को इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से उसको भूनेंगे जब तक कि टमाटो जो है वो ऑयल ना छोड़ने लग जाए। उसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे स्वादानुसार सेंधा नमक, क्योंकि अभी व्रत में टेस्ट तो करते नहीं हैं, तो जो आइडिया से जितना नमक हो सकता है उतना मैंने डाल दिया था। और इसी के साथ साथ मैं इसमें ना सारे बेसिक मसाले जो होते हैं, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और लाल मिर्च, ये ऐड कर लूँगी। और हमारे यहाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बिना हल्दी के कोई भी खाना नहीं बनता है, तो हल्दी भी मैंने ऐड कर दी है। प्लस अब मैं लगा रही हूँ व्रत का आटा, तो ये मैं व्रत का आटा आदिल के यहाँ से ख़रीद के लाई थी, उसमें उपवास का आटा लिखा हुआ था, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली ये किस चीज़ का आटा है, लेकिन उपवास का है तो ठीक है, चलेगा। फिर मैंने जो है ये जो एक्सेस वाटर था ना, थोड़ा एक्सेस प्यूरी थी, उसमें हल्का सा वाटर लगा के उसको थोड़ा सा हिला लिया था और उसको भी डाल दिया। साथ के साथ हम जो है धनिया भी बना लेंगे। और अब मैं जा रही हूँ अपना क्या बनाने, मूंगफली की चटनी। तो ये मूंगफली तब तक ड्राई हो गई थी, तो मैंने इसके छिलके उतरवा लिए थे अपने हस्बैंड से कह के, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि हम तीन लोग हैं तो एक टाइम के लिए ही चाहिए, तो या दो टाइम के लिए, चलो कल के लिए भी चल जाएगा। तो मैं इसमें व्रत का ही नमक डालूंगी। इसमें मैंने डाल दी है मिर्च, और ये डाल दिया धनिया, थोड़ा सा डाल दिया था पुदीना। तो ये बहुत अच्छी सी बनी थी। मैं जो है जनरली लोग इसी में लेमन वाटर भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं लेमन जो है बाद में स्क्वीज़ करूँगी। तो चलिए इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो जैसे कैसे जर्र से पिसा पिसा जा रहा है। तो अब मेरा जो है टोमेटो अच्छे से फ्राई हो चुका था और तेल भी छोड़ दिया था, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है क्या ऐड कर दिया मैंने, पनीर ऐड कर दिया है। पता है बोलते बोलते ना भूल जाते हैं कि क्या शब्द बोलने हैं। और अब लगा लेते हैं आटा। तो इस आटे में ना मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, आप चाहें तो थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। प्लस मैंने ऐड किया सिर्फ ग्रेटेड पोटैटो, तो जो पोटैटो की जो अपना उसमें पानी है, उसमें अपनी नमी है ना, उसी से इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और उसी से मैंने इस आटे को लगा लिया है। क्योंकि व्रत के आटे में ना बहुत ज़्यादा ग्लूटन नहीं होता, तो वो बाइंडिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आलू के मैश को यूज़ करना पड़ता है। Yeah.
आटा लग के रेडी है और अब देख लेते हैं हम सब्जी को कि वो कितनी बनी है। तो देखिए सब्जी भी मेरी बहुत अच्छी सी बन गई है, आप बताइए कैसा लग रहा है कलर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि थोड़ा तो तरी चाहिए ही है खाने के लिए, थोड़ा वैसे भी रख रख के ना थोड़ी देर में ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो लगभग 2 कप के अराउंड मैंने इसमें पानी डाल दिया था और इसको अब हम ढक के रख देंगे एक अच्छा बॉईल आने के लिए। तो सब्जी बनके रेडी हो चुकी थी, उसे मैंने साइड में कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने बहुत कुछ बना लिया है, अब तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हारे मतलब ये रोटियां बना देता हूँ, क्योंकि वो तो फलाहार नहीं करते हैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया, वो तो नॉर्मल रोटी खाएंगे। तो इन्होंने देखो ये एक पॉलीथीन ली, उसके अंदर ना फिर एक लोई ऐसे रख के उसे चकले से प्रेस कर दिया था। तो देखो कितने अच्छे से रोटी निकल आई, क्योंकि ये छोटी छोटी होती है ना, इसको अगर चकले पर डायरेक्ट बेलो तो ये बहुत अच्छे से नहीं बेलती है, तो ये एक परफेक्ट तरीका है इसको बेलने का। तो ऐसी 2 रोटियां मैंने बना ली थी और 2 मतलब मेरे हस्बैंड ने बना दी थी मेरे लिए, उसके बाद उन्होंने अपने लिए रोटियां बनाई। तो पहले जो है मेरे लिए बना के हमने साइड कर दिया था, हल्का सा इसमें घी लगाना होता है, जैसे कि आपने आलू के पापड़ बनाने की प्रिपरेशन देखी है ना वैसे ही, बस सिंपल वैसे ही बनेगा ये भी। और छोटी छोटी 2 बहुत बहुत टेस्टी ये रोटियां हो रही थी, मतलब हल्का पराठा समझ लीजिए आप इसको, काइंड ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ा था इसमें, मतलब घी लगाना पड़ा था, ऑयल तो मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। तो आई होप कि आपको ये सब्जी पसंद आई होगी, बहुत टेस्टी हो रही थी और हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की। तो आप लोग भी अगर चाहें तो ट्राई कीजिएगा। और वो मेरी चटनी बन के रखी है, लेकिन जिस वक्त ना मैं चटनी को ट्रांसफ़र कर रही थी उस वक्त मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। गाइस हो जाता है ना कभी कभी गलती, तो जो है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि चटनी का कलर कैसा है जब मैं प्लेटिंग करूँगी। तो ये दोनों मेरी रोटियाँ बन के हो गई हैं रेडी, और चलिए अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तब तक मेरे हस्बैंड बना लेंगे नॉर्मल रोटियां अपने लिए और बेटी के लिए। तो अब ये करने लगी हूँ मैं प्लेटिंग, ये मैंने रखनी है 2 रोटियां अपनी और ये मेरी सब्जी थोड़ी सी। और व्रत के दिन ना पूरे दिन व्रत रहो, फिर शाम को ना बहुत कुछ खाया नहीं जाता, थोड़े में ही पेट भर जाता है। और ये मैंने चटनी निकाली है और चटनी भी बहुत टेस्टी हो रही थी, और प्लस हम थोड़ा सा सैलेड ले लेंगे क्यूकम्बर का। तो ये एक सिंपल सी वेज थाली है, आप कह सकते हैं बहुत सारे आइटम नहीं है इसमें, क्योंकि व्रत के दिन ना बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ये कहते हैं इसलिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।